इमरान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये है स्क्रीम आईबेजा 3 ट्रूली वायरलेस ईयरफोन। अब गाइस, स्क्रीम एक ऐसा ब्रांड है जो कि ऑडियो प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड ये जो ब्रांड है ये कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुए थे, एंड इन्होंने कुछ प्रोडक्ट को रिलीज़ किया था उस टाइम पे, एंड उनमें से मैंने एक प्रोडक्ट को रिव्यू किया था जो कि था स्क्रीम आईबेजा ट्रूली वायरलेस ईयरफोन। सो अगर आपको उस वाले वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। बट इस वाले वीडियो में गाइस, मैं आपसे बात करने वाला हूं इनके न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में, जो कि एक ट्रूली वायरलेस ईयरफोन है एंड जो कि है स्क्रीम आईबेजा 3। सो इसके बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस वाले वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिज़ाइन। अब गाइस, डिज़ाइन की बात करूँ तो ये ईयरफोन जो है ये इन ईयर टाइप के डिज़ाइन के साथ आते हैं, एंड पर्सनली मुझे इन ईयर टाइप के ईयरफोन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज गाइस वो आपके कानों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फिट होते हैं एंड गिरते नहीं है। सो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड केस की बात करूँ तो गाइस, जो केस है ये थोड़ा सा बॉक्सी टाइप के डिज़ाइन के साथ आता है, एंड पर्सनली मुझे कुछ खास उतना अच्छा नहीं लगा। बट अगर मैं बड्स की बात करूँ तो बड्स की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, बट एक मेजर प्रॉब्लम मुझे इसकी बड्स की डिज़ाइन में लगी, बिकॉज ये दोनों ही जो ईयरफोन्स है इंडिविजुअल, ये दोनों की ही जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही सेम है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी ईयरफोन में लेफ्ट या फिर राइट इंडिकेट नहीं किया गया है, बिकॉज ये दोनों ही बिल्कुल ही आइडेंटिकल डिज़ाइन के साथ आते हैं। आई मीन आप दोनों को ही किसी भी आप अपने ईयर में लगा सकते हैं, या फिर आपको लेफ्ट में कोई भी ईयरफोन लगाना है वो लगा सकते हैं, या फिर राइट में, यानी कि दोनों ही ईयरफोन जो है वो आप किसी भी ईयर में लगा सकते हैं। एंड ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा कौन लगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ईयरफोन में कहीं भी आपको इंडिकेट नहीं किया गया कि कौन सा राइट चैनल है ऑन एंड कौन सा लेफ्ट चैनल है। सो आई थिंक ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं या फिर आप गेमिंग करते हैं तो आपको आइडेंटिफाई पर्सनली करना पड़ेगा कि भाई कौन सा राइट है या फिर कौन सा लेफ्ट है। तो यहाँ पे गाइस एक मुझे बहुत ही बड़ा कौन लगा, सो यहाँ पे आई थिंक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। बट ओवरऑल गाइस, ये जो ईयरफोन है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट भी है। अब इंडिविजुअली तो मुझे नहीं पता कि इसका वेट क्या है, बट हाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, एंड इसी वजह से गाइस अगर आप जिमिंग करते हैं या फिर रनिंग करते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं या फिर कभी भी आप कंटिन्यूसली इसको पहनते हैं तो आपको जो कम्फर्ट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, एंड ओवरऑल अगर आप रनिंग वगैरह भी करते हैं तो आपके कानों से निकलता नहीं है। सो ओवरऑल कम्फर्ट एंड फिट के मामले में मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बट हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप कंटिन्यूसली 1-1.5 घंटे तक इसको पहन के रखते हैं तो आई थिंक आपको वहाँ पे निकालना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा थोड़ा सा पेन होने लगता है। तो इतना तो सभी में होता है, मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट साउंड क्वालिटी, बिकॉज किसी भी ऑडियो डिवाइस में अगर अच्छा साउंड हो तभी वो एक अच्छा ऑडियो प्रोडक्ट कहलाता है। अब अगर मैं इस वाले ईयरफोन की बात करूँ तो इसमें आपको 10mm का ड्राइवर देखने को मिलता है, एंड ओवरऑल अगर मैं साउंड एक्सपीरियंस की बात करूँ कि मुझे इसका साउंड कैसा लगा, सो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा मुझे इसका साउंड जो है वो अच्छा लगा, ना कि बहुत ही अच्छा मुझे नहीं लगा, बट हाँ मेरे हिसाब से इसका जो साउंड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब ये ईयरफोन गाइस उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेटर लग सकता है जो कि बेस हैवी गाने सुनना पसंद करते हैं एंड बेस लवर है, बिकॉज इस वाले ईयरफोन में आपको बेस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मिलता है, बट वोकल्स जो हैं जो हाइज है वहाँ पे थोड़ा सा मफल्ड साउंड आता है, आई मीन जो बेस है वो थोड़ा सा ओवरलैप कर जाता है वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट पे। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बेस काफ़ी ज़्यादा सही है, वोकल्स उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, और भी ज़्यादा बेटर हो सकती थी, बट ओवरऑल अगर मैं हाइज़ की बात करूँ तो हाइज़ भी उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी। बट मेरे हिसाब से जो साउंड करता है, बिकॉज मैं भी बहुत सारे बेस हैवी गाने सुनना पसंद करता हूँ एंड मूवीज़ वगैरह में मुझे इस टाइप की साउंड जो आउटपुट आता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है, तो आई थिंक जो बेस लवर है मे बी उनको काफ़ी ज़्यादा बेटर लगे। बट ओवरऑल अगर मैं सॉन्ग्स वगैरह की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट काम कर देता है, एंड आई मीन जिस प्राइस पॉइंट पे आता है मेरे हिसाब से मुझे और कोई इशू इस वाले इसके साउंड क्वालिटी में तो नहीं लगा, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पे आता है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेस आपको ऑफर कर रहा है, एंड ओवरऑल जो साउंड सेपरेशन है जो साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी एंड एक्सेप्टेबल लगी। एंड अगर मैं कॉल क्वालिटी की बात करूँ सो ओवरऑल जो मुझे इसकी कॉल क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सी लगी, अगर आप इनडोर में कॉलिंग करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कॉल हो जाती है, बट अगर आप आउटडोर में कॉलिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो सकती है, बिकॉज आउटडोर में बहुत सारे TWS उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, बट इस प्राइस पॉइंट पे भाई इतनी अच्छी कॉल क्वालिटी भी मिल रही है तो मेरे हिसाब से डिसेंट सी है एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट बैटरी लाइफ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी अगर किसी भी प्रोडक्ट में ज़्यादा बेटर बैटरी बैकअप होता है तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, चाहे वो कोई स्मार्टफोन हो या फिर कोई स्मार्ट स्पीकर हो या फिर इवन स्मार्ट ईयरफोन जो भी हो। अगर मैं इस वाले ईयरफोन की बात करूँ तो इस वाले ईयरफोन के केस में आपको 300mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, एंड इसके बड्स में आपको आई थिंक 40 या फिर 45mAh की बैटरी देखने को मिलती है, आई एम नॉट श्योर बिकॉज मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली, बट ये आई थिंक
तो अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूँ तो इसमें आपको 11 से 12 घंटे का केस के साथ आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। एंड ये मैंने पर्सनल यूज़ किया हूँ, उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंपनी का कोई क्लेम नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 11 से 12 घंटे आपको केस के साथ देखने को मिलता है एंड 3 से 3.5 घंटे तक आपको सिंगल आपको बड्स के अंदर सिंगल चार्ज में देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट बैटरी लाइफ है, मुझे कहीं भी उतना कुछ इशू नहीं हुआ। एंड अगर मैं चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो ये जो केस है ये 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है एंड जो ईयरबड्स है वो 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। एंड चार्ज करने के लिए इसमें आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे एक्सेप्टेबल है। ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फीचर्स। सो इस वाले ईयरफोन में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिल जाता है एंड 10 मीटर तक की आपको इसमें रेंज देखने को मिल जाती है। एंड पेयरिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस आपको करना ये कि अपने बड्स को निकालना है कैसे, एंड दोनों ही जो बड्स है इंडिविजुअली ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे एंड ब्लूटूथ को ऑन करना है अपने स्मार्टफोन पे। एंड जैसे ही स्क्रीन का ऑप्शन आया था आप उस पर टैप करिए एंड बूम आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। एंड एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद जब भी आप इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है अगर आपका स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑन है। तो ओवरऑल जो कनेक्टिविटी है काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड अगर मैं कंट्रोल्स वगैरह की बात करूँ तो इसमें आपको बटन कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप सिंगल टैप करते हैं दोनों ही साइड तो आपका कॉल रिजेक्ट या फिर आंसर हो जाएगा एंड वहीं पर जो आपका मीडिया है सिंगल टैप से ही पॉज प्ले होगा। एंड अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपका जो सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट है वो फायर हो जाएगा। एंड वहीं पे अगर आप डबल टैप करते हैं राइट ईयरबड्स पे तो आपका जो मीडिया या फिर जो आपका सॉन्ग है वो नेक्स्ट ट्रैक पे चला जाएगा। एंड अगर आप लेफ्ट साइड में डबल टैप करते हैं जो आपका मीडिया या फिर जो सॉन्ग है वो प्रीवियस ट्रैक पे चला जाएगा। सो बेसिक सी फंक्शनैलिटी ये काफी ज्यादा अच्छे से काम कर जाता है। ओके सो नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट प्राइस, बिकॉज मेरे हिसाब से प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब वैसे तो इसकी जो प्राइसिंग है वो अराउंड 1200 रुपीज़ के आसपास है एंड अगर आप सेल वगैरह में लेते हैं तो शायद आपको 1000 रुपये तक का भी देखने को मिल सकता है। सो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाकर जरूर इसको चेकआउट करिए। सो नाउ अगर मैं फाइनली बात करूँ इस वाली ईयरफोन की तो इस वाली ईयरफोन में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबिलिटी मिल जाती है एंड गुड अमाउंट ऑफ बेस भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है एंड कम प्राइस पॉइंट भी आता है। तो आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आपको इस प्राइस पॉइंट पे कोई ईयरफोन लेना है तो। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपको ये वीडियो या फिर ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे इस वाले चैनल को। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पीस, आई विल सी यू।